आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, और आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपने अभी हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप फर्स्ट उसे विजिट कराइए, क्योंकि वहां पर एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसका काम क्या है और उसके सिंबल्स क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आज के वीडियो में आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स है, सिंपल एट्रीब्यूट और दूसरा है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब सिंपल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, यानी कि ये जो सिंपल एट्रीब्यूट है हमारे पास, उसको हम फर्दर उसके सब कैटेगरीज या फिर सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और कंपोजिट एट्रीब्यूट उससे उल्टा है, कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, यानी कि आप एक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को उसके सब एट्रीब्यूट्स में या फिर कहे तो आप उसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपल एट्रीब्यूट का एग्जांपल है रोल नंबर, सीपीआई, और कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पर है एग्जांपल में नेम और एड्रेस। अब नेम को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो सब पार्ट्स में, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। एड्रेस को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो सब पार्ट्स में, एक है स्ट्रीट, रोड और सिटी। तो अब उसके सिम्बॉल्स हम देखें तो यहाँ पर है सिंपल एट्रीब्यूट का सिम्बॉल रोल नंबर, और हमारे नॉर्मल जो एट्रीब्यूट का सिम्बॉल है वही यहाँ पर है। लेकिन अगर हम कंपोजिट एट्रीब्यूट में देखें तो यहाँ पर नेम है, उसके अंदर से वापस फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। क्योंकि हमारा ये जो नेम एट्रीब्यूट है उसे हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप रोल नंबर को कैसे डिवाइड करोगे, रोल नंबर डिवाइड ही नहीं होगा, लेकिन नेम डिवाइड होगा तीन चीजों में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल गया कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में हैज सिंगल वैल्यू, यानी कि सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू होगी उसके पास, और यहाँ पर मल्टी वैल्यूड में एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यू होगी, यानी कि हैव मल्टीपल वैल्यूज। एग्जाम्पल, तो रोल नंबर सिर्फ एक होता है और है सीपीआई, और यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल में फोन नंबर और ईमेल आईडी। अब एक ही पर्सन के तीन चार अलग अलग फोन नंबर हो सकते हैं, और ईमेल आईडी तो रखते ही है सब गूगल में दो तीन अकाउंट, यानी ईमेल आईडी भी एक पर्सन के दो तीन हो सकते हैं। अब बात करें सिंबल की, तो सिंबल सेम एज हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट, अंदर नेम और ओवल सिंबल। लेकिन यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में चेंज है, यहाँ पर डबल ओवल है, और ये डबल ओवल जो सिंबल है वो आपको साफ तरीके से कहेगा कि भाई ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट का नेम लिखा हो, फोन नंबर या फिर ईमेल, और उसके पर ऐसे डबल ओवल हो तो आप समझ जाइए कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट की बात करें तो इट्स वैल्यू इज स्टोर्ड मैन्युअली इन डेटाबेस, यानी कि इसकी वैल्यू हम मैन्युअली डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करें तो इट्स वैल्यू इज डिराइव्ड और कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसकी वैल्यूज हमारे जो दूसरे एट्रीब्यूट्स है इसके साथ, उससे हम इसकी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर बर्थ डेट, और यहाँ पर एग्जाम्पल है एज। बर्थ डेट हमें ही डालनी होती है क्योंकि हमें ही हमारी बर्थ डेट क्या है वो पता होता है, लेकिन एज तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि तो आपको कोई अपनी बर्थ डेट पूछे और वो डेट से आज की डेट तक मैं अगर कैलकुलेट कर दूँ तो मुझे आपकी एज कितनी है वो मालूम पड़ जाएगी। इसलिए स्टोर्ड एट्रीब्यूट हम हमेशा मैन्युअली स्टोर करते हैं, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंबल देख ले तो बर्थ डेट वही हमारा नॉर्मल सिंबल, नाम और उसके ऊपर ओवल, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट में है एज, लेकिन यहाँ पर भी ओवल है, लेकिन यहाँ पर स्पेस छोड़ी हुई है, जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं। तो एंटिटी विथ ऑल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एंटिटी है स्टूडेंट, और उसके साथ यहाँ पर आप देखें तो कई सारे एट्रीब्यूट्स है। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर है एज, और एज यहाँ पर डॉटेड है जिससे वो साफ हमें कहता है कि ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। उसके बाद यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स निकलते हैं, रोल नंबर और नेम, और यहाँ पर रोल नंबर हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मतलब कि रोल नंबर को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, और तो और रोल नंबर के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि वो हमारी प्राइमरी की है। अब आप नहीं जानते कि प्राइमरी की क्या है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को विजिट कीजिए, वहां पर एक्सप्लेन किया है कि प्राइमरी की क्या है। यहाँ पर फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो नेम एट्रीब्यूट आता है, जिसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम।
यानी कि ये हुआ हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। और एक एट्रीब्यूट है हमारे पास जो है एड्रेस, और एड्रेस को फर्दर तीन एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अपार्टमेंट, सेकेंड है स्ट्रीट और थर्ड है एरिया, यानी कि ये भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। और लास्ट में स्टूडेंट में से दूसरी दो एट्रीब्यूट्स निकलते हैं, फर्स्ट है फोन नंबर और सेकेंड है बर्थ डेट। अब बर्थ डेट की बात करें तो वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, यानी कि उसे कंपलसरी स्टोर करना होगा, क्योंकि आपके अलावा आपकी बर्थ डेट कोई नहीं जानता, तो आपको वो और ना ही उसे कोई कैलकुलेट कर सकता है, इसलिए आपको वो इंपोर्ट करना होगा। और उसके ऑपोजिट अगर देखें डिराइव्ड में, यहाँ पर एज है, तो आपने अपनी बर्थ डेट इंपोर्ट कर दी और आज की डेट के साथ मैं अगर डिफरेंस कर दूँ तो मुझे आपकी एज मिल जाएगी। और लास्ट बात करें तो फ़ोन नंबर, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी कि एक स्टूडेंट के पास दो या तीन या फिर उससे भी ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। तो अब तक हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स के टाइप्स देखे उस पर हमने एग्जाम्पल देखा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। अब डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या है? अब ये सबसे सिंपल चीज़ है, रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट है वो है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। अब तक हमने देखे थे कि एंटिटीज में से एट्रीब्यूट निकलते थे, यानी कि ये स्टूडेंट एंटिटी है और ये बुक एंटिटी है, उसमें से एट्रीब्यूट्स निकलते थे, वो हमने अब तक देखे। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या है कि रिलेशंस में से जो एट्रीब्यूट निकले उसे हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी कि इश्यू जो रिलेशन है हमारा यहाँ पर, उसमें से एक एट्रीब्यूट है इश्यू डेट नाम का, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो आई होप यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज हमने बात की टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और फर्दर ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।